हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंट मस्ट ए कार ओनर रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो एज नॉट टू बी इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल। ऑप्शन दिया गया है 10%, बी में 15%, सी में 20% और डी में नन ऑफ दिस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक कार ओनर है, ठीक है, एक कोई बंदा है उसके पास कार है, ठीक है। अभी क्या हुआ, फिलहाल हाल ही में पेट्रोल के जो प्राइस थे वो बढ़ गए, और पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ गए, लेकिन वो चाहता है कि वो जितना वो खर्च करता था पर मंथ, मान लीजिए एक महीने में जितना खर्च वो कार पर पेट्रोल के लिए करता था, वो कास्ट बढ़ने ना पाए। तो भैया प्राइस बढ़ा है तो भाई आप उतना ही तेल यूज करोगे तो कास्ट भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब आपको तेल कम यूज करना है। तो आप अब तेल कम यूज कितना करोगे, वही पूछा जा रहा है कि आप अपने पेट्रोल के खर्च पर कितना नियंत्रण करोगे ताकि आपका एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क ना पड़े। समझ में आ गया क्वेश्चन, हमने इस पे टॉपिक इसका फार्मूला भी देखा था। तो यहां पर आपको कम किया जा रहा है भैया, पेट्रोल का कंजम्पशन जो है वो कम करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस के लिए हमने बताया था, ये रिड्यूस के लिए कौन सा फार्मूला बताया था, ये वाला देखिए, ध्यान से देखिए। तो इसमें हमने क्या लिखा है, आर अपॉन 100 प्लस आर, हमने कहा था अगर आपको कोई भी चीज कम करना है उसमें ज्यादा, या आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100। तो आर जो है हमें कितना दिया गया, यहाँ पे 25 दिया गया है ना, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा है 25%। तो आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 25, तो यहाँ पे देखिए आर की जगह 25 रख दीजिए, अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100%, तो 25 अपॉन 125, 25 का 25 पंची 125, कट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 100 अपॉन 5, तो 100 अपॉन 5 करेंगे कितना आएगा 20%। तो इस तरीके से तो उस कार ओनर को जितना भी पेट्रोल खर्चा करता था उसका 20% अब क्या करना पड़ेगा, कम खर्चा करना पड़ेगा, ताकि वो जितना खर्च पर मंथ उस कार पर पेट्रोल के लिए करता था वो मेंटेन रहे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मैंने पीछे फार्मूले में ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया था कि अगर आपको खर्च कंजम्पशन घटाना है तो आर अपॉन आर प्लस 100 कर दीजिए, अगर कंजम्पशन बढ़ाना है तो आर अपॉन आर 100 माइनस आर कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हमसे कहा जा रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। क्लियर, ए कैंडिडेट गॉट 92,614 वोट्स विच वेयर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल इन द इलेक्शन। क्लियर है, ऑप्शन दिया गया है कितना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये जो दिया गया है 9 to 6 1 रहेगा, ये 4 नहीं रहेगा, ये 4 नहीं रहेगा, ये ज्यादा गलत लिखा गया है, इसे पढ़ना रहेगा, इसे 9,261 रहेगा। क्वेश्चन हमसे बेसिकली कहा जा रहा है कि एक चुनाव है, उस चुनाव में दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से 75% वोट क्या होता है, टोटल वोट जितना भी है उसका 75% वोट लोग डालने आए हैं, ठीक है, टोटल वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम था उसमें से 75% लोग आए हैं वोट डालने, और 2% लोगों का वोट जो है इनवैलिड हो गया किसी भी वजह से, ठीक है, गलती हो गई और इनवैलिड हो गया। फिर भी अब जितने भी बचे हुए लोग हैं उनमें से उतने लोगों में से एक कैंडिडेट जो है ना 9,261 वोट पाता है, और जो 9,261 वोट है ना वो टोटल जो वैलिड वोट था उसका 75% है। तो हमसे कहा जा रहा है टोटल कितना इनरोल्ड वोट्स थे, ये हमें कैलकुलेट करना है, टोटल हमें इनरोल वोट की वैल्यू निकालनी है। तो भैया हमें ऑप्शन दिया गया है 16,800, 16,080 और नन, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमें जब टोटल इनरोल वोट्स निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने मान लिया कि टोटल भैया जितने वोटर इनरोल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है एक्स, क्लियर है। तो हमसे बोला गया कि जितने भी भाई वोट्स मतलब वोटर वोट दिए हैं जो वैलिड वोटर थे भाई वो कितने थे, वो टोटल 75% थे किसके, टोटल इनरोल्ड के। तो अब अगर मैं वैलिड की बात क्या करूं, वैलिड नहीं, जितने लोग वोट देने आए थे 75% वोट देने, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट कितना हो जाएगा 75% ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x/4, क्लियर है। इतने लोग क्या करते हैं वोट देने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हमसे कहा गया था कि 2% वोट क्या हो गए इनवैलिड, तो 100-2% ऑफ 3x/4, मतलब जितने वोट पड़े थे उसमें 2% वोट क्या थे इनवैलिड थे, मतलब केवल 98% क्या थे वैलिड थे, तो 98/100 × 3/4। तो हमसे ये बताया गया था कि जितने भी वोट वैलिड पड़े हुए थे, जितने भी वोट पड़े हुए थे जो वैलिड थे, ठीक है, उनका 75% कितना था 9,261, तो 75% ऑफ वैलिड वोट, तो वैलिड वोट कितना था 98/100 × 3x/4, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, बाकी सब कुछ ट्रांसफर कर दीजिए, तो भाई 261 डिनोमिनेटर में क्या क्या है 4 है, 100 है और 100 है, तो ये देखिए, और यहाँ से अच्छा ये भी ये 25 क्या 75 का होता है, ये 4 और ये 100, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे देखिए अपॉन कितना हो जाएगा 98 3 × 3, क्लियर। जब इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा 16,800, तो 16,800 जो आया है ना ये क्या है 16,800, तो 16,800 हमसे पूछा गया था ना टोटल कितने वोट्स इनरोल्ड थे, तो टोटल इनरोल्ड वोटों की संख्या जो है वो कितनी है 16,800। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इसमें बेसिक लॉजिक था कि हमें सबसे पहले कहा गया कि ये कितने परसेंट लोग इनरोल्ड हैं या कितने वोट इनरोल्ड हैं यह संख्या पता करिए, और बाकी इन्फॉर्मेशन दिया गया था,
तो हमसे कहा गया कि 2% ओड खराब हो गया और जितने अच्छे ओड थे उनका 75% हो जाए 261 है। तो हमने सब जितने भी बातें उन्होंने हमसे बताई थी हमने सबको यूज करके अपना आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है पीटर गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। हाउएवर पॉल हुज टुक द सेम एग्जामिनेशन गॉट 40% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड गॉट 15 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। व्हाट वेयर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन दिया गया ए 65, बी 75, सी 85 और डी 95। तो हमसे बेसिकली क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एग्जाम हो रहा है वहाँ पर पीटर क्या करता है 30% टोटल मार्क्स का पाता है तो 10 नंबर से फेल हो जाता है। वहीं पॉल जो था वो टोटल मार्क्स का 40% गेन कर पाता है और 15 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा पाता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, तो हमें ये बताना है कि भैया पासिंग मार्क्स कितना है। ठीक है, जो पीटर पा नहीं सका 10 नंबर से पीछे हो गया, हमने मान लिया कि उसका जो पासिंग मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितना है एक्स, ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स है। तो हमें अच्छे से पता है मैक्सिमम मार्क्स अगर हमें दिया गया हो तो हम पासिंग मार्क्स आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया, हमसे क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, पासिंग मार्क्स तो दोनों बंदे के लिए, पीटर और पॉल के लिए दोनों के लिए क्या होगा, इक्वली होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 30% निकाल लें, किसका 30% एक्स का निकाल लें और उसमें 10 ऐड कर दें तो पास हो जाएगा कौन, पीटर। और पास होने का मतलब जितना पासिंग मार्क्स वहाँ पहुंच जाएगा। और 40% अगर एक्स का निकाल लें 15 माइनस कर दें तो क्या होगा कि जो पॉल है वो भी कहाँ पहुंच जाएगा, पासिंग मार्क्स पर। तो मतलब पासिंग मार्क्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, तो 30% ऑफ एक्स और प्लस 10, 40% ऑफ एक्स माइनस 15। तो मैंने क्या किया, 15 को इधर ला दिया 10 की तरफ और इसको इधर 4x अपॉन 10 माइनस 3x अपॉन 10 कर दिया। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 250। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आई है और हमसे पूछा क्या गया, मतलब ये टोटल मार्क्स आया हुआ है 250। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, कोई भी यूज कर लीजिए, चाहे आप पीटर का इक्वेशन यूज कर लीजिए चाहे पॉल का इक्वेशन यूज कर लीजिए। पॉल कितना मार्क्स पाया था टोटल का, 40%, और लेकिन वो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा था, 15। तो हमने क्या 15 घटा दिया, तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ हमने जब बताया तो 250 का 40% निकाला माइनस 15 किया, कितना आया, तो 85 आया। कितना आया, 85। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है सीधा सीधा सा कि जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, 85 है। और इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। तो आइए ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज का। हमसे कहा जा रहा है इफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन वाई एंड एक्स वाई आर बोथ इंक्रीज इन ए वैल्यू बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जेड। ऑप्शन दिया गया है ए में 0%, बी में 5%, सी में 10%, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 15%। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो हमसे पूछा गया है कि अगर जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, यदि जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन वाई हमें दिया गया है और एक्स वाई दोनों 10% की वृद्धि की जाए तो जेड में कितनी वृद्धि होगी, हमसे पूछा गया था। हमने मान लिया कि जो भैया चेंज आएगा वो कितना होगा, कैपिटल जेड होगा। हमें जो दिया गया, क्या दिया, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन वाई, लेकिन जैसे हमने एक्स में 10% बढ़ाया वाई में भी 10% बढ़ाया, हमने मान लिया कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड डैश हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 10% दोनों एक्स वाई बढ़ा दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड 11x अपॉन 10 का होल स्क्वायर अपॉन 11y अपॉन 10। 11 अपॉन 10 एक बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 11 अपॉन 10 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, और इसके इक्वल टू क्या है, जेड, तो मैंने जेड मान लिया, यहाँ से जेड डैश इक्वल टू कितना गया, 11z अपॉन 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ, चेंज कितना आया जेड में, तो जेड में परिवर्तन हमने कितना माना था, कैपिटल जेड। तो कैपिटल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड डैश माइनस जेड। क्लियर है, अब तो जेड डैश की वैल्यू कितनी आई थी, 11z अपॉन 10 माइनस 10, यहाँ कितना जेड अपॉन 10। तो चेंज इन या परसेंटेज चेंज हमें निकालना था भाई, परसेंटेज चेंज निकाले किसके रिस्पेक्ट निकालेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड अपॉन 10 इंटू 1 बाई जेड इन 200, जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 10% आ जाएगा। इसका मतलब जेड में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है, 10% का परिवर्तन आएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस पूरा सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जय हिंद।